चलो भाई, सबको ऑल द बेस्ट जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और कुछ लोगों को मैंने बोला भी है कि जो एग्ज़ाम दे के आएंगे वो मुझे कल बताया कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को दे पाऊँ 24 तारीख वालों को कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो थोड़ा सा टेंशन लूज़ हो जाता है, क्योंकि देखो थोड़ा सा नुकसान तो होता है जो पहले दिन पेपर देते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन है, तो आप लोग पहले दिन पेपर दे रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा भी आप लोग को ही मिलेगा। ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, अपनी कोई फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जानी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी। पेन ले लेना है एक अपने प्रिकॉशन के लिए, वैसे वहाँ पे पेन और पेपर मिलता है। और सेकंड थिंग, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, आइडेंटिकल टू जो तुमने रजिस्ट्रेशन में लगाया है। अगर नहीं है तो भी कोई अपना नया फ़ोटो भी लेके जा सकते हो, बस पहचान में आना चाहिए कि तुम ही हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैंने बहुत मेहनत की आप लोग के लिए और आप लोग ने भी मेहनत की होगी, मुझे मालूम है। सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना। और जैसा मैंने बताया था कि कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, पूरा प्रोसेस को ध्यान से रखना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, डरना मत, टाइम मैनेज करके क्वेश्चन को करना, किसी एक क्वेश्चन में फंसना मत। अगर लगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो तुरंत उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन करना। मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि 1 से 100 में से जितना सवाल तुमको आ रहा है उसको करना ही करना है। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन तुम देख ही नहीं पाए और 20 क्वेश्चन में से ऐसे 10 क्वेश्चन थे तुम कर लेते, तो ये गलती नहीं करनी है। 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन तुम्हें देखना है। जो क्वेश्चन आसान लगे खटाक से बनाना है, जो क्वेश्चन लगे कि नहीं बना पाऊंगा उसको स्किप करके आगे करना। ठीक है, बाकी तुम लोग समझ चुके होगे क्या क्या करना है। और मेरे तरफ से आज इतना ही है, कल सुबह मैं कुछ जब पेपर हो जाएगा तो बताऊंगा 24 तारीख वालों को। तब तक 24 तारीख वाले पढ़ते रहो, और तुम 23 तारीख वालों भाई आराम से सो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो जाओ आराम से। सुबह उठना, ब्रश करना, कुछ हल्का फुल्का खा लेना, ज़्यादा मत खा लेना कि एग्ज़ाम हॉल में नींद आने लगे। हल्का फुल्का कुछ खा लेना, रात में अच्छे से सो जाओ। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, अब कुछ नहीं कर सकते। कल का ये कहो बस कि भगवान से प्रार्थना करो कि भाई कल का तुम्हारा दिन अच्छा हो। सुबह उठ के आराम से भगवान को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके चले जाना एग्ज़ाम देने, और फिर मुझे बताना। नंबर मैंने दे दिया है, जिसको जिसको दिया है नंबर उसने मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप पे रिकॉर्ड करके भेज देना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए। ठीक है भाई, चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।